नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की स्टूडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आज का जो हमारे जो जीके क्वेश्चन है वह साइंस के चैप्टर विद्युत धारा से रिलेटेड। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, जूल, केल्विन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अर्थात यदि एक सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा एक कूलाम हो, यदि एक सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा एक कूलाम हो तो प्रवाहित धारा का मान एक एम्पियर के बराबर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रभाव की दिशा के होती है, समान दिशा में, विपरीत दिशा में, दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव की दिशा के होती है, विपरीत। कैसे होती है? विपरीत। थर्ड क्वेश्चन, हमारे घरों में काम आने वाली विद्युत धारा होती है प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे घरों में जो सामान्य रूप से जो काम में ली जाती है वो ली जाती है प्रत्यावर्ती धारा। फोर्थ क्वेश्चन है, वह धारा जिसकी दिशा एवं परिमाण समय के साथ नहीं बदलते हैं वह कहलाती है दिष्ट, प्रत्यावर्ती या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहलाती है दिष्ट धारा। इसी कारण इसका उपयोग घरों में नहीं किया जाता है, घरों में प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, किसी विद्युत धारा चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? यानी कोई विद्युत धारा चालक में चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाने के लिए उत्तर अंगुष्ठ नियम, पूर्व हस्त अंगुष्ठ नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का प्रयोग करते हैं। जानकी कौन से नियम? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का प्रयोग किया जाता है। छठा प्रश्न है, विद्युत परिपथ में उपयोग में लाए जाने वाले आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? नगण्य या ना के बराबर, शून्य, अस्थिर या इनमें से कोई नहीं। विद्युत परिपथ में उपयोग में लाए जाने वाले आदर्श एमीटर का प्रयोग होता है, मान कितना होता है? शून्य होता है। ध्यान रखिएगा, नगण्य ना के बराबर नहीं होता, कितना होता है? शून्य होता है। सातवां क्वेश्चन है, विद्युत धारा परिपथ में विभवांतर मापने के लिए उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा परिपथ में विद्युत विभवांतर नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर का। किसका प्रयोग करते हैं? वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। वोल्टमीटर को परिपथ में समांतर क्रम, दो क्रम होते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, इसे समांतर क्रम में लगाया जाता है जिससे विद्युत परिपथ में प्रतिरोध न्यूनतम हो। विभवांतर का जो मान होगा हम फाइंड करेंगे W अपॉन क्यों, जहां V विभवांतर से प्रेजेंट करते हैं, W किया गया कार्य, Q यानी कूलाम या आवेश। अब बात करते हैं कूलाम के नियम के बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर रहे तो विद्युत धारा तार के सिरों के मध्य के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर है तो विद्युत धारा तार के सिरों के मध्य अनुक्रमानुपाती होगी, विभव के, विभवांतर के या प्रतिरोध के, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी होगी? विभवांतर के। V बराबर आई आर, आर बराबर प्रतिरोध वी अपॉन आई और आई बराबर वी अपॉन आर, जहाँ आर एक नियतांक है, विभवांतर आई विद्युत धारा आर को तार का प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पर I किसको रिफाइन करता है? विद्युत धारा को, V विभवांतर और R प्रतिरोध को। मेन फॉर्मूला कौन सा हो गया? V बराबर आई आर। नवा क्वेश्चन है, प्रतिरोध R का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है एम्पियर, ओम, वोल्ट या इनमें से कोई। इसका सही जवाब होगा ओम। आर का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगर किसी एक ओम प्रतिरोध वाले तार में एक एम्पियर धारा प्रवाहित की जाएगी तो विभवांतर कितना होगा? एक वोल्ट। यानी कि एक ओम प्रतिरोध वाले तार में एक एम्पियर अगर धारा प्रवाहित की जाती है तो जो विभवांतर होगा वो कितना होगा? एक वोल्ट। ध्यान रखिएगा फॉर्मूला आर बराबर वी अपॉन आई वाला इसमें लगा है। दसवां क्वेश्चन, अर्धचालक में प्रतिरोध ताप बढ़ाने से होता है, अर्धचालक में प्रतिरोध ताप बढ़ाने से होता है, बढ़ता है, स्थिर होता है, घटता है या इनमें से कोई नहीं। जबकि हम किसी चालक में तार में ताप बढ़ाते तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, लेकिन जब हम किसी अर्धचालक में ताप बढ़ाते तो प्रतिरोध घटेगा। ध्यान रखिएगा प्रतिरोध घटेगा, क्योंकि आपने
जो छोटी क्लासेज में पढ़ा हुआ कि अर्धचालक में जब हम लोग ताप बढ़ाते तभी वो सुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, जब बल्कि ऐसे सामान्य अवस्था में सुचालक की भांति वो व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन प्रतिरोध ताप बढ़ने से घटता है, जबकि चालक की अगर हम बात करते हैं तो चालक में ताप बढ़ाने से प्रतिरोध भी बढ़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब अचालक पदार्थ में ताप बढ़ाते हैं तो वह अचालक की भांति व्यवहार करने लगता है, उसे ही अर्धचालक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सुचालक धातु है सोना, लोहा, प्लेटिनम या चांदी। तो सर्वाधिक जो सुचालक धातु है वह है चांदी, ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सा है, तो चांदी। शुद्ध जल विद्युत का होता है, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, ध्यान रखिएगा। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, वहीं अशुद्ध जल जो हम की जो प्रयोग करते हैं वो होता है सुचालक। 13 क्वेश्चन है, जब हम प्रतिरोधों को क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोधों के सिरे के बीच विभवांतर समान होता है, यानी हम प्रतिरोधों किस क्रम में जोड़ते हैं कि जो प्रतिरोधों के बीच जो सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो समान होगा, तो सही जवाब है समांतर क्रम। लेकिन जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो विभवांतर अलग अलग होता है। मैंने उसमें आपको जब वोल्ट मीटर का लगाते थे तब भी मैंने बताया था कि वोल्ट मीटर भी समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। 14 क्वेश्चन है, घरों में काम आने वाले उपकरणों को किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो घरों में जो काम आने जो उपकरणों को उनको लगाया जाता है वो लगाया जाता है समांतर क्रम में, ध्यान रखिएगा समांतर क्रम, ताकि सभी के पास बराबर पर्याप्त मात्रा में विद्युत पहुँच सके। और एक चीज़ और, समांतर क्रम में जब लगाते हैं तो कोई चीज़ अगर उड़ जाती है मतलब जल जाती है तो जो दूसरे उपकरण उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब आपने कई बार जो अपने शादी विवाह में दिवाली वगैरह जो लड़ियाँ लगाते हैं उन पे जो लड़ियों के जो बल्ब होते हैं वो लगे होते हैं श्रेणी क्रम में, तो क्या जब एक बल्ब खराब होता है तो पूरी की पूरी लड़ी खराब हो जाती है। विद्युत बल्ब में प्रयोग में लाए जाने वाला तार किस धातु का होता है, नाइक्रोम, लोहा, टंगस्टन या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत बल्ब में प्रयोग में लाया जाने वाला तार होता है टंगस्टन का, ध्यान रखिए किसका होता है, टंगस्टन का होता है। 16, वे विद्युत सेल जिन्हें एक ही बार में उपयोग में लाया जा सकता है वो कहलाते हैं प्राथमिक सेल, कौन से कहलाते हैं, प्राथमिक सेल। 17 क्वेश्चन है, प्राथमिक सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है और यह अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है यानी कि एक बार ही हो सकती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एक बार रूपांतरित कर सकते हैं अन्यथा दूसरी बार नहीं कर सकते हैं। वहीं द्वितीयक सेल में यह क्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को पुनः रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। द्वितीयक सेलों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है, उत्क्रमणीय होती है, मैंने बताया था रसायन को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में बदल दिया जाता है। सीसा संचायक सेल में उपयोग में लाए जाने वाली पट्टियों पर किसका लेप चढ़ा होता है, लेड मोनोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड या इनमें से कोई नहीं। तो सीसा संचायक सेल में जो पट्टियों को उपयोग में लाया जाता है उन पर चढ़ा होता है लेड मोनोऑक्साइड का लेप, किसका चढ़ा होता है, लेड मोनोऑक्साइड का। 19 क्वेश्चन है, घरों में प्रयुक्त होने वाली प्रत्यावर्ती धारा का विभवांतर कितना होता है, 220 वोल्ट, कितना होता है, 220 वोल्ट। जब किसी चालक को चुंबक के मध्य सापेक्ष गति कराई जाती है तो इसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं और इस प्रक्रिया से जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। 20 क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, वेबर, जूल, एम्पियर या इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, ध्यान रखिए क्या होता है, वेबर होता है। बात करते हैं लेंज के नियम के, लेंज के नियम अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है जिससे उन कारणों का विरोध करती है जिससे उनकी उत्पत्ति हुई है। ध्यान रखिए लेंज का नियम का कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार रहेगी कि वह उन उपकरणों या उन कारणों का विरोध करेगी जिससे उनकी उत्पत्ति हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।